परेश कहाँ का है? बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान भीड़ में लड़कियों से छेड़छाड़ की, हैदराबाद में भी दो लड़कियां छेड़खानी का शिकार बनी। कहने को ये सारी सिर्फ घटनाएं हैं, लेकिन एक महिला से पूछिए जो हमेशा इस डर के साथ घर से बाहर निकलती है कि रास्ते में उसके साथ छेड़खानी ना हो जाए, कहीं कोई उसे अगवा करके उसका रेप ना कर दे। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई, क्यों लाई? रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई, क्यों आई? उजियारे कैसे अंगारे जैसे छाँव छली धूप में पर रख दिए गए पत्थर है खुदा तुम है कहाँ? रेशमी लिबासों को चीरते हैं कुछ खंजर है खुदा तुम है कहाँ? क्या रीत चल पड़ी है, क्या आग चल पड़ी है, क्यों चीखता है सुरमई धुआं? क्या रीत चल पड़ी है, क्या आग चल पड़ी है? खुद की खोज में निकल तो किस लिए आदर्श है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे